हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत स्वागत है। कौन हो तुम सब लोग और ये सब क्या है? What is this? बंपर तू? आज खुश तो बात होगी ना तुम कप्पू शर्मा। क्यों? वो बंपर जो आज तक किसी के शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो बंपर जो आज तक रहती थी अपने दम पर, वो बंपर आज आके सामने हाथ फैलाई खड़ी है। हुआ क्या बंपर? मेरे पास आज बेकारी है, लाचारी है, मजबूरी है, घर की किश्तें हैं, फालतू के रिश्ते हैं, तुम्हारे पास क्या है मेरे लिए? मेरे लिए एग्जिट। रास्ता दिखाने का इतना ही शौक है ना कप्पू शर्मा, तो पान की दुकान खोल लो। वैसे भी सोनी को चूना तो लगा ही रहे हो ना तुम। तेरा हुलिया कैसे बदल गया? तू तो नर्स थी ना पहले। छोड़ दिया मैंने वो काम। सबके सब नेगेटिव लोग आते हैं अस्पताल में। नेगेटिव? हाँ हाँ, सारे के सारे। किसी को हैजा हुआ है तो किसी को पीलिया हुआ है तो किसी को बवासीर। लेकिन ये बातें करके ना बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी बात ओ नो नो। यू जस्ट टॉक टू द हैंड कपूर शर्मा, टॉक टू द हैंड। अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है कपूर शर्मा। इतना बड़ा शो शुरू कर लिया आपने, लेकिन मुझे बुलाना आपने जरूरी नहीं समझा। बंपर, अरे टाइम ही नहीं मिला बंपर, क्या करते? टाइम नहीं मिला? कमाल की बात की है आपने, इन्हें टाइम नहीं मिला। कितने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, चाय कॉफी तक नहीं पूछ रहे आप मुझे। वाह, एक साल में कितने बदल गए हैं आप। एक साल कहाँ, नौ महीने बाद आई है तू बंपर। मैं नौ महीने में आई? हाँ। एक मिनट। हेलो सोनी साहब, मुबारक हो, आपको बंपर हुई है। देख बंपर, आज ना बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, तू जा मुझे तैयारी करने दे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आई हूँ। बंपर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से मैं अपने आप को आपका पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि मैनेजर घोषित करती हूँ। कैसे कैसे मैनेजर बन जाएगी तू, पहले देखना पड़ेगा उस लायक रहा है भी कि नहीं तू। हाँ तो आप भी लायक नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ ना। देख बंपर, तू गुस्सा मत कर, अभी तू जा, अभी गेस्ट आने। हाँ तो मुझे पता है, मुझे पता है यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जी आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ कि आपने सारी तैयारियां ठीक से तो कर रखी है। ये हैं आपकी तैयारियां, ये आपकी तैयारियां हैं। क्या इसमें? ये क्या अंगूर का झुंड क्यों आया है? किसी पे अटैक करना है क्या? कमाल, ये सेब इतने छोटे क्यों हैं? और ये क्या है, ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन में गन कहाँ है? और ये पपीता, ये पपीता पीता है तो फिर ये नशे में क्यों नहीं है? क्या है ये सब? ये नाशपति, ये नाशपति है तो नाशपत्नी कहाँ है, अकेले ही आ गया? ये है आपकी तैयारियां, ये इनसे नहीं होगा कप्पू शर्मा, आपको ये काम ठीक से आता ही नहीं है। मैं अभी अंदर जाती हूँ, आरती की थाली लेके आती हूँ, सारी तैयारियां मैं ठीक से करूंगी। ओके, मैं यूं गई और यूं आई, चलो कुर्सी लेके जाओ। प्रियंका चोपड़ा से मिलने का वेट कर रहा हूँ, ये अगल बंपर आ गई। वैसे आपको पता है अर्चना जी, प्रियंका इस सीजन में पहली बार आ रही है, मेरे को तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, पता है? ओए। उसकी शादी हो गई अब। हाँ। तो इस सेब पे भी स्टिकर लग चुका है अर्चना जी। और वैसे भी अर्चना जी, मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बिल्कुल एक बाइक के दो पहियों की तरह होता है। दोनों पहिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अगर आदमी अपने पहिए को छोड़ के
बाहर किसी दूसरी स्टपनी पे फोकस करे तो बीवी पीठ पे ऐसा जैक मारती है ना कि आदमी की स्टपनी पे सूजन आ जाती है। तो लाइफ में कोई बैकअप नहीं होता, इसलिए हर किसी को एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना देर किए बुलाते हैं उनको जिन्होंने मॉडलिंग की तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, बॉलीवुड में कदम रखा तो सारी दुनिया का दिल जीता, और देश से बाहर गई तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारी फेवरेट देसी गर्ल को, जो आज एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी है। प्लीज वेलकम माय मोस्ट फेवरेट गर्ल, प्रियंका चोपड़ा जोनस। शर्मा जी मजा आ गया। प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच, मैं पहली बार आपके नए घर पे आई हूँ। हाँ बस आपको अब कहाँ टाइम अमेरिका से निकलने का। आप मैं आती तो रहती हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। बस हमारा अपना धंधा बंद था ना। तो ये भी सही है, कहाँ। आई डिडंट वांट टू बी इनसेंसिटिव। देखिए कितने एक्साइटेड हैं लोग। प्रियंका आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी और गिन्नी की। और साथ ही मुबारक हो आपकी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के लिए, जोरदार तालियां। प्रियंका आपको पता है आपके आने की एक्साइटमेंट इतनी थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, आप देखिए ऑडियंस का उत्साह, देखिए दर्शकों का, दिखाइए जरा प्लीज। मेरी वैनिटी वैन कहाँ गई? ओ सॉरी, ये तो ड्राइवर साहब की कैबिन है। ओए ओवरराइडर। हाँ जी मैम। हाँ कहाँ? वैनिटी। वैनिटी तो गई आपकी। हैं? वैनिटी सिद्धू वापस आ गया? नहीं मैम, प्रियंका मैम है ना, आए हुए हैं तो वैनिटी हमारी बुक है। आपको मैसेज किया था मैम कि आप तैयार हो गया ना घर से। हाँ तो तैयार होकर आई हूँ लेकिन कपड़े तो बदलूंगी ना कहीं। मैम आपके लिए स्पेशल ग्रीन रूम बनाया हमने, स्पेशल ग्रीन रूम। किधर है? नबोरा। हरे पर्दे लगाकर ग्रीन रूम बोल रहे हो उसे? तुम प्रोडक्शन वाले ना, एक तो नाश्ता आधा देते हो, द वे यू गाइस ट्रीट मी। अगर मेरे पास दूसरा काम होता ना तो मैं ये शो छोड़ देती। छोड़ क्या, कभी करती नहीं। तू क्यों डर रही है? आपकी जो गाड़ी है ना उसके पीछे खड़े होके आप चेंज कर लेना। मेरी गाड़ी नहीं है। ऑफ कोर्स है, है ना मैडम। आपको कितनी बार बोला है कि अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया करो। अगली बार अगर ये मैंने देखी तो मैं हवा निकाल दूंगा। कमाल लोग हैं यार। दादा मेरा पिज्जा ला रहा। अरे लाओ ना दादा। प्रियंका मैडम का स्टाफ का पिज्जा है। प्रियंका मैडम स्वाद है। तो आज प्रियंका आज आप आएंगे तो सारा खर्चा आप पे किया जा रहा है। I know. हमारे तो बस बजट ही नहीं बचा आपके लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में खर्चे डॉलर में होते हैं तो उस कन्वर्ट कर करके बेचारे प्रोडक्शन वाले भी। प्रोडक्शन वालों के बारे में भी सोचिए ना जरा। पर वैसे आप एक ने एक चीज नोटिस की है, आज प्रियंका जो है वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है, कोई ऐसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रियंका एक तो जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही है। वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था पर वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई। करेक्ट।
वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? पता है शादी थी आपकी, चर्चे ही चर्चे, हमारे तो खर्चे ही खर्चे। आपको पता है मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था। अच्छा। मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती इसलिए। एक सेकंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? दामाद ऐसे पैर चुके जो हवा में एयर किस करते हैं ऐसे वाला। दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को। हाँ मम्मी, वाओ इट्स नाइस, बताओ। हग करते हैं, वाओ। मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया, मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया। एक बार प्रियंका की मम्मी जी यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी बुआ जी वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं। शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा था, तुम आए ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था। अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया। नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, देख तो दिया था। प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है, तो मैं जानना चाहता था जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लटके नागिंडास करते हैं? गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? पर निक का कोई फूफा फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी जब मिलनी होती है ना, जैसे हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या यू नो बुआ बुआ से मिलती है और फूफा फूफा से मिलते हैं, तो हमने सबको बताया हुआ था कि यू नो एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ हुआ होता है सबके बीच में। उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप वंप करके, मतलब। और मैं यू नो मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली। लेकिन तो वो भी बहुत पंजाबी थे, लंबी चौड़ी तो फैमिली है ये। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे, तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के चार भाई, मेरी जेठाई दोनों। अच्छा। तो सारी जेठानियां, तो सारी आठ लोग थे अबाउट, और मैं मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों ऐसे खड़े थे। वैसे प्रियंका तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ, मिले भी नहीं बहुत यार। अरे ये तो यार बदलू आदमी है, ये याद करते रहते हैं हम। देखो आप मुझे प्यार है। परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही। हाँ जी। साथ में एक और बात की बधाई। हाँ जी। इम्पोर्टेंट जीजा मिले आपको, प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। पर ऐसे जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों। एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालगिरह ना विद्रोह कर दे। हम तो दुआएं देके आए। परिणीति ने एक मूवी की थी, हंसी तो फंसी। तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती आज मेरा सांडू निक जोनस होता। फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलती ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए और डायमंड की अंगूठियां दी। हमें बता देती प्रियंका, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर। दुपट्टा लेके डायमंड मिल जाता और क्या चाहिए? ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था या सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है, निक तेरा भी जीजा हो गया अब, वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे एक नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई। हाँ जी। तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया। हाँ जी। हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है। तो ये जनता जानना चाहती है, जो अमीर लड़कियों की शादी होती है
आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं, तो मैं अपने अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया जब, ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना है। करेक्ट ना, दोनों की जोड़ी भी प्यारी लगती है। एक सेकंड लेकिन जी, मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में जी। तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल पूछना। अरे प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो, हम लोग सब कितने फैन है कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े फैन। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? ग्लास टूटा ना। ऐसा तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती है। उन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। फिर बाद में मेरे पास आएगा। मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा अच्छा आंटी, फिर एक और सवाल। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले से वाइफ को मनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है। ऐसा कभी किया है? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करती है। शाबाश, सीख गई है मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। अच्छा एक और सवाल। मेरे से बहुत प्यार करता बेटा। तो फिर बीवी की कवर करने की जरूरत नहीं है। अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा एक और सवाल आंटी, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो, इतनी जल्दी क्या? इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है। मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा एक और सवाल। आज इधर आइए, इंटरव्यू हो रहा है। आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए। अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट। तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द शो गोज अलोंग। तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको दो चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक, ओके, और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं दो करोड़ चूज करूंगा, क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में रेंज कर लेना। ओके एनीवेज, चेंज द टॉपिक। प्रियंका आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ओके। मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली ही थे। ओके। तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें। आशीर्वाद बहुत मिले। अच्छा? वही तो चाहिए मुझे। वाह। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, के 25,000 के छपवाए होते हैं इन्होंने। जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, क्या तो इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पर लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो। इन्होंने ये देखा तो मेरे साथ तो ये हुआ है। एनीवेज प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं जी। किन किन के सवाल थे जी? मैडम माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल सर। हेलो प्रियंका मैम। हाय, माय नेम इज कृपा, आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू कपिल। थैंक यू कृपा। मैम मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहाग रात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए, उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, इसलिए। और वो भी लैक्टोज क्या होता है? दूध नहीं अच्छा लगता। नहीं लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम। तो
But my husband had come, I had forced him. You forced him? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैं पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गर्म दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी। ओए वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। Do you have any idea कि क्यों पिलाते हैं गर्म दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपने शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गर्म और गैस हो जाए तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे। आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना, गैस हुई। दूध हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम, माइक दे दीजिए उनको। हाय कपिल, हाय रचना जी, हाय प्रियंका। हाय, मैं आपके ससुराल से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं आप? यस सर। वाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर आया, आपको कैसे मिल गया? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसके गाँव से हूँ। निक भी डालस से, आप तो सच्ची में उनके गाँव से है? वो डैलस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ दिया था उन्होंने, तब थे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो शायद वहाँ का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपके फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई आपकी फैमिली में? आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा। आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। यू आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन है। अच्छा जी। हमारे साथ काम करती है, जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम आपका शो देखते हैं, मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती है मैक्सिकन लड़कियाँ? आप, दे लव्स यू। रियली? ओह, दे लव्स यू। एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी, दे आर प्रीटी टू। अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय, माय नेम इज अविंका, आई एम फ्रॉम जर्मनी। हाय अविंका। एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग इंडिया, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द पीपल एंड कलर्स, स्पेशली द ट्रैफिक इन मुंबई। The best. Wow, the same best. To you. Very best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ. कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती. लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती Bombay को. Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Ah! Ouch! Otherwise, I can explain in another language. I shot Sapphire. German mein bol ke bata. Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, great. So great. Hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। अख्तुंग, अख्तुंग, क्रैंकहाउस। प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, अख्तुंग। छोड़ना मत कुछ दुनिया का, कुछ भी, सब कुछ पता है इनको। थैंक्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ, तुम इधर चलो मेरे साथ वापस। पर आज इतना मजा आ रहा है कसम से, आज प्रियंका, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुम फिर आ गई, आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे। तुम फिर क्यों आ गई? Can you just talk to the hand, please? मैं कोई दशहरा नहीं हूं जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई के मौत की बात कर रहे हैं आज ना। कपूर शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब दो बहनें बातें करेगी ना, तो आप बीच में विघ्न ना डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है। तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा, बहने कैसे ही तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा, मैं मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना? तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना, सोनी साहब के बारे में सोची, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं। फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे।
फिर रोती रहती है तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती कि चार के टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बंपर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, इसका नाम है फ्रैंकी, कुंवारा है और 18 साल का है। दैट्स ऑलराइट। कुंवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़के की अगर तलाश हो बाय चांस, तो मैं बंपर जोनस बनने के लिए तैयार हूं। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? नो 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 नो, कपू शर्मा उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना, तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूँ। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन आप मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तो है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाओ, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है कि मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी जी, एक फीता काटेंगी आप ना, तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, इफ यू डोंट माइंड। यस, बंपर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बंपर ओपनिंग की है। कपू शर्मा, आप सवाल वाल पूछे भी कॉन्फिडेंट हैं, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। सो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को। सो प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड वेरी वर्सटाइल एक्टर, वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू, तुम भी। आर यू सीरियस? नहीं, माय मॉम हैज सेड ऑलवेज रिटर्न अ कॉम्प्लीमेंट। अर्चना जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू सर। प्लीज विराजमान हो जाइए। फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। द स्काई इज पिंक, नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है। वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी, और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया। अच्छा, तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो,
किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए। Nice. तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज ब्लू। मैंने तो फ्रांसर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी क्योंकि आपका गाना था ना आसमान है नीला क्यों पानी गीला गीला। हाँ, क्यों? तब से मैं स्काई पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन है। फ्रांसर आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। फरहान भाई एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड है और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देके कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं। अरे पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका। अरे मैं क्यों, मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो, देवी है देवी, मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मैं, मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती हैं कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती हैं उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों सर, थोड़ा ऐसे ही बस। तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन। मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले, आई गॉट सो मेनी। रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है। अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में। अच्छा प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका कि स्टार्डम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस। That's so true. She stayed just exactly the same, true to herself. Always. आची मैम तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in one film. दो फिल्में की हमने। हैं? हाँ। प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love 2050 है ना, और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल किया। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो। एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। बेल तो मैंने मजाक में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। yes! आपको पता है प्रियंका ने ना किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी। हाँ। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। हमारे हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते हुए। भारत का दामाद है हमारे देश का, देश का दामाद, देश का दामाद। करेक्ट करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद है और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी वो, क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो come in the morning. I said, इसको तो ये पूरा फिसल गया। Wow. I'm sure कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा, मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली। चक दे करेक्ट पंजाबी है तभी भी है। अच्छा द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर जावेद साहब आ गए हो ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़ गए आप?
नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेल फोन वेल फोन तो था नहीं, राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना उन्होंने उठा लिया। मतलब जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूं उनसे। बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले। माइस्वे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ। नहीं नहीं, पहले तुम, पहले तुम। पता भी नहीं चल गया। ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा सही बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर। बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता, हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है। और उसके बाद मुझे अपने डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं, कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननंद भाभी आपस में बातें करती, दो बहनें करती हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे, आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, माय नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा जी। तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना और जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं कल तो इतने लोग थे मजा नहीं आया। क्या? साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे हैं। क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अदर रोमांटिक, ए बड़ा मड़को, बड़ा मजा आता है ऐसे किसी दिन पे। फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं तो, पर मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। अच्छा। मैंने कहा नहीं वो भी नहीं पॉसिबल। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें, अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो, मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी। अच्छा, तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो। तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाई चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा। तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे ही जा रहे हैं। हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये बंदा? अरे हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है। हाँ। और ये बंदा हमारे पास था कि बोलता है हेलो हाय, और हम इतना डर गए, हमने कहा बड़ा बेवकूफ है छेड़ के चला गया हमारे को। बाद में हम थोड़ी से आगे गए तो मैंने कहा यारे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी। अरे आप रोमांटिक किसे याद दिला रही थी तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की। अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो, जी भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर। अच्छा तो फिर, अच्छा जी, चुप चुप के बातें करता था। हाँ। तो मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था। हाँ। रजाई तो, में अकेले थे आप? अकेले में। अच्छा। रजाई में, रजाई अच्छा, में फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, अकेले बार फोन पे बात कर रहा था। तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा आपसे शादी करूंगा, ये बात मेरे पापा ने सुन ली। अच्छा। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा, मैं मुंबई आ गया। वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जहाँ मुझे मजदूरी भी करना पड़े।
तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. और उस लड़की से इन टच है अभी भी आप? हाँ, बात होती है अभी. अच्छा, बात होती है. तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? उस ऐसा उस तो आपने बोला नहीं पापा, बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने. सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें. मैं कहूँ मेरी इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ. कह तो दो. हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में. अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हेलो सर. हेलो मैम, मैं सूरत से आई हूँ, मधु अग्रवाल. सर जब मेरी मैरिज हुई थी उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था. अच्छा, हम लोग वेट करते थे कि कब रात हो और हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात करें एक दूसरे. अच्छा, से और मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे हस्बैंड कुछ रोमांटिक बातें करेंगे मुझसे. लेकिन जब हम लोग की बातें होती तो या तो वो सो जाते थे फ़ोन पकड़े पकड़े. अच्छा, और या फिर ऐसा होता था कि कुछ मुझे संस्कारी बातें बता के कि जैसे दादी जी के पैर छूना, घर में जब आओगी तो पूजा की तैयारी करना, और इस तरह की बातों में ही सारा टाइम निकल जाता था. मैं ये सोचती रहती थी कब कुछ रोमांटिक बातें होंगी. अब शादी के बाद हुई? अब कोई क्रेज नहीं है मैम. जब था तब नहीं हुई. पर भाई साहब ये साथ में आपके हस्बैंड, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये आप. सर ऐसा क्यों, आपको रोमांटिक बात करने को दिल नहीं किया उस समय? सर मैंने शादी के बाद के लिए रखा था वो सब चीजें. इनका एक क्लोजअप लिया जाए, हे पुरुष. ऐसे ऐसे महान लोग मुझे देखने को मिलते हैं, क्या बात है सर. वाह, धन्यवाद जी, शुक्रिया अपना किस्सा शेयर करने के लिए. गाना बंद तो कर, कितना चलूं मैं अभी. और तुम लोग क्या टाइम वॉक बोला था, तुम लोग मॉर्निंग वॉक करने लग गए इधर. चलो गर्ल्स के लिए हमारे जोलदार तैयारी हो जाए नाला से पर. क्या बात है, आज तो बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी आए ले. मैं सच्ची बोलती हूँ, फरहान सर आए ना, देखना आज हमारा शो एकदम रॉक ऑन होगा. रॉक ऑन. हाय, कैसी हो सपना? हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत लग रही है. हाय, स्टॉप इट कपिल. थैंक यू. सिट सिट. थैंक यू. हाँ, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सॉरी इंग्लिश का नहीं है. हिंदी में बोलो ना. यू एले. ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. ये मैं कल मूली का पराठा खाई थी. नहीं यू एले लॉस एंजेलिस ना? जी. मी एन एस नाला सोपारा. आयो भाई नाइस. आपका शो क्वांटिको मेरी आंटी को बहुत पसंद है. बड़ा क्वांटिको क्वांटिको करे. हॉलीवुड का पता है तेरे को कुछ? सब मालूम है मेरे को हॉलीवुड के. तू तो ज्यादा मत बोलना है. अर्चना जी भी हॉलीवुड में काम करती है इधर. कैसे? हाँ, लॉस एंजेलिस में उधर लिखा है ना हॉलीवुड, ये हॉलीवुड का ओ बनती है उधर जाकर. आपने देखा नहीं क्या कभी? नहीं मैंने. आप अपनी खिड़की से देखना, ऐसा करके वो बनती है उधर. तो ऐसी फालतू बातें करती है इसलिए परमीत सर का फोन आता है मुझे. अरे वो क्या फोन करेंगे, वो तो वो खुद दूसरा वो बन के लेटे रहते उधर. ये क्या लगा के कुमरी गुब्बारे वाले सब? तुम कितनी अच्छी लग रही हो लेकिन. थैंक यू. कितना फैशन है इसमें. 50 बर्थडे में गई तब जाके ड्रेस बने में. सपना कुछ अच्छी बातें कर, वो एले से आई क्या सोचेंगी? हाँ, वो एले से आई है, मैं पहले से आई है. एले वाले आ गए तो पहले वाले को भूल गया तू. अर्चना जी आ गई, सिद्धू जी को भूल गया तू. तू तो बस सिर्फ सोनी टीवी को नहीं भूलना, वरना हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे इधर. आखिर पप्पू पप्पू चिंटू ए मन्नू पुच्चू.
आओ। पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा देख। ये क्या कर रही है? मैं ये लोग गरीब लोग इनको अमीर लोग दिखा रही है, अमीर लोग कैसे रहते। हाँ पैसा दे, देख उधर क्या देख रहे, यहाँ देख। उधर देखेगा तो मेरी जेब से खुद पैसा देना पड़ेगा देखने के लिए। हेलो मैम। सर आप लोग का ट्रेलर देखी मैं, बहुत अच्छा लगा। स्काई इज पिंक। थैंक यू। परन सर ये आपके लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। ओए मिर्च का ये क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तूने इनका ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर में बोलते हैं ना। हाँ, मेरी परदादी परदादी यहाँ इस कमरे में अचार। बिल्कुल बिल्कुल। तू होमवर्क नहीं करके आता क्या इधर? ओए बताना तू होमवर्क नहीं करते? इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू लेते, तेरे को नहीं मालूम क्या पूछने का रहते? बात तो सही बोली सर, तुमने कितना रिसर्च किया। हाँ, रिसर्च किया, ट्रेलर देखा इसने। मैम हमारा शो भी बुलंदियों को छू रहा है कि नहीं? जोरदार ताली हो जाए हमारे शो। इतना बुलंदियों को छू रहा है। मैम सोनी टीवी ने अभी पार्टी भी रखा था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा। हाँ सोनी साहब उधर मेरे को खुद छूने लगे। हा? मैंने हाथ जोड़ा, बाबा मैं बुलंदी नहीं मैं बुलंदा हूँ। मैंने उनको सपना तू यहाँ करने के आई आज? अब मेरे को ना मैम से बात करने का था। मैम मेरे को ना मॉडल बनने का था। मेरे को तुझे क्यों बनना अभी मॉडल? पहले तो तू ये बता, फालतू का सवाल पूछ रही है। मेरे को ना मैम एक्चुअली काम करो, आप मेरे को ना मिस वर्ल्ड बना दो। हाँ मिस वर्ल्ड का अच्छा रहता है। कैसे? वो मेरे को ना क्यों बनने का मालूम है? वो रिएक्शन बहुत अच्छा देते ना वो लोग जब बोलते ना आप मिस वर्ल्ड बन गए। तो मैं बताऊँ? मैं बोलती हूँ तुम प्रैक्टिस करो। वो ऐसा करते ना, मेरे को ऐसा करने का। एक बार करो ना, मैं बोलती हूँ। And Miss World 2019 is. तू Miss World जीती है, ट्रेन के नीचे नहीं आई तू? ये क्या कर रही है? मेरे को पता है क्या, मॉडल लोग का बहुत वर्ट रहता है मैम, है ना? ऐसा 200 लोग इधर बैठे, 200 लोग इधर बैठे, और बीच में ऐसा मुफ्त का कपड़ा पहन के भाड़े का ऐसा अक्कड़ में चलते ऐसा। कौन सी अक्कड़ दिखाते हैं? अरे अक्कड़ अक्कड़ देखना। कपड़े किसी और के, शो किसी और का, कुर्सी किसी और की, वैनिटी किसी और की, अक्कड़ देख इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। सपना हाँ? वो एले से तेरी यही बातें सुनाई है? अच्छा तो ये बातें सुनाने के लिए फिर मैं एले ही जाऊं? ये क्या बात हुई? एक्चुअली मैम तोड़ दी कुर्सी सपना तूने। मैम मेरे अच्छा मैम मेरे को ना आपका एक काम बहुत पसंद आया। कौन सा काम? मेरी काम। थैंक यू। फरहान सर का भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आप मस्त पोएट्री बोले थे। जी जी सर, एक लाइन बोले ना हम लोग के। नहीं दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक ही लाइन बोली थी तो वही एक लाइन बोलती। अच्छा मैं भी सुनाएगी सर। प्लीज प्लीज सुनाएगी। अगर लेडीज कपड़े पहन के तू जेंट्स टॉयलेट में जाती है तो बंदा है तू। अगर स्कर्ट पहन के स्कूटर के ऊपर दोनों बाजू में ऐसे बैठती है तो बंदा है तू। आपके असरी आपके बारे में बता रही मैं। अच्छा मैम आई हैव पार्लर हियर, ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो इफ़ यू वांट तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बताओ ना कौन कौन सी मसाज? हमारे पास बर्फी मसाज है। अच्छा वो क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते और उसके बदन पे तेल नहीं चाशनी लगाते हम लोग। क्योंकि बर्फी इज़ अ स्वीट डिश ना, एंड इट इज़ स्वीट डिश मसाज नो। अच्छा तो नहीं 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 फिर एक और मसाज आपके लिए, बे वॉच मसाज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो कस्टमर बुलाते हैं
एक का कपड़ा उतर के तेल लगा के उसका मैसेज चालू करते और दूसरे वाले को बोलते अबे वॉच ऐसा रहते हैं। आपके लिए तो और स्पेशल है, दिल चाहता है मसाज। अरे क्या बात है, इसमें क्या होता है? इसमें इसका कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग उसको पहले 4-5 डंडा मारते हैं, फिर उसको कुर्सी पे बांध डालते हैं, फिर उसको सीधा पंखे से लटकाते हैं हम लोग। ऐसे कौन करता है? अरे दिल चाहता है मसाज है ना, वो करेंगे जो दिल चाहता है। भी कैसा कमाल करते हैं। आपके हॉलीवुड से एलए से भी कस्टमर लोग आते हैं। अच्छा? हाँ, वो आपके विन डीजल है ना, वो इधर ही आके डीजल भरवाते हैं हम लोग के इधर। डीजल खत्म हो गया, आज मैं उनको सीएनजी लगाने वाली हूँ। लेकिन आइएगा, आप आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब इससे अच्छा मसाज दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे और ये क्लास। और ये स्कर्ट भेजवा देना। हाँ सर, मैं भेजवा। प्लीज, बहुत बहुत ये अगले रेड कार्पेट पे मेरे को पहनना है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सर, बाय। अभी मैं इसका क्या करूं, इसमें पैर रख के कर लूं? ऐसे कर लेता हूं सर, रिलैक्स है तो। और सुनाइए। That's really funny, but ऐसे रखो। So what is your तो जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं सर, तो आपके बारे में भी बड़ी सारी अफवाहें हैं। तो हम क्या करते हैं ना सर, हम ऐसा मानते नहीं है, हम सामने से पूछते हैं गेस्ट से। तो एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फरहान, आपके बारे में ये सुना है कि दिल धड़कने दो के एक सीन के लिए आपने चेहरे पे मेकअप की जगह वनीला आइसक्रीम लगाई थी, ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो प्लूटो जो कुत्ता था उसमें जी, उसे आकर मेरा मुंह चाटना था। ओह यार। और कैमरा मेरे पीछे था। अच्छा, तो उन्होंने कहा आइसक्रीम लगा लो फेस पे, दौड़ के आएगा और जितना चाहे मतलब वो ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव। तो मैंने बहुत सारे वनीला आइसक्रीम अपने चेहरे पे लगाया, मुझे याद है। हाँ, और फिर प्लूटो ने काफी दिया था। काफी फायदा उठाया। प्रियंका, ये बात सही है कि पहले आपको हरी मिर्च खाने का बड़ा शौक था, इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपका नाम मिट्टू रखा था? मेरी बुआ ने मेरा नाम मिट्टू रखा था। मैं मिमिक्री बहुत करती थी जब 1-2 साल की थी। तो एक बार हम अंबाला में हमारे घर पे थे, तो हमारे घर पे कोई आए, तो हाउ डू आई से दिस, अच्छा, I don't know what you're going to say. गैस आ गई। उनकी गैस आ गई। उनकी गैस आ गई, तो मैंने भी किया। तो जैसी साउंड्स मुझे सुनाई देती थी, मैं उनको रिपीट करती थी, और इसीलिए मेरा नाम मिट्टू रखा गया था। वाह, बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया था ये। एक्चुअली कभी आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब आप अमेरिका की फ्लाइट लेती हैं तो यहाँ से दुबई तक सब ठीक रहता है, दुबई से अमेरिका तक। फिर आपको पता चलेगा नेशनल इंटीग्रेशन का, गुजराती कहां कहां बैठे, वहां से थेपला आता है, पंजाबी जो होते हैं, पराठों की स्मेल। तो जब तक जहाज उतरता ना न्यूयॉर्क में, तो जो अमेरिकन एयर होस्टेस होती है उनको वो टेढ़ी हुई होती है। वी आर इन न्यूयॉर्क बट वी आर नॉट श्योर, ऐसे वेलकम कराती हूँ। पर ये बड़े प्लेजेंट चेयर, ये पहले करना चाहिए था मैं। आप काफी अग्निपथ स्टाइल में बैठ गए हैं। हां, एकदम ऐसे। करेक्ट। ओ, अग्निपथ। ही वाज लाइक गिवन। एब्सोल्युटली। हर फिल्म में ही हूं आप। फिर भी यही हूं मैं। मेरे को किसी ने कहा महाभारत में दुर्योधन भी आप बने थे। पुराने एक अफवाह ये है कि सेनोरिटा गाना जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभय देओल की सिंगिंग से आप इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि आपने उन्हें अपनी अगली फिल्म के सारे गाने का ऑफर दे दिया था। नहीं, ये तो अफवाह है। क्योंकि उसकी आवाज इतनी यूनिक थी उस गाने में, मैं नहीं चाहता था और एक्सपोज हो उसके बाद। फरहान, बचपन में बेहोश होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि स्कूल वाले आपको घर छोड़ आते थे जूस वूस पिला के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इतना बेहोश हुआ हूँ मैं स्कूल में। क्यों सर? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल से वापस घर जल्दी जाना था, तो कुछ भी हो जाए, हे हाउ इज इट गोइंग। एक और है, आप बचपन में आप बाथरूम की जगह मम्मी के बेड पे भी नहा लेते थे, हैं? ये मेरे लिए आपके बारे में है? अच्छा, हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हाँ, आई डिड। हाउ इज इट पॉसिबल?
क्योंकि जोया जो थी मेरी बहन जी, वो हमेशा जाके जो मेरी मम्मी है उनके कमरे में वो नहाती थी। अच्छा। और मैं बच्चों का कमरा था, मैं उसमें नहाता था, तो हमेशा के मुझसे कहती थी कि आई हैड बाथ इन मॉम्स रूम, आई हैड बाथ इन मॉम्स रूम। मुझे बहुत जलन होती थी कि यार वो मम्मी के कमरे में नहा रही है और मुझे कभी परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मॉम कैन आई यू नो कैन आई हैव अ बाथ इन योर रूम, तो उन्होंने कहा हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स यू कैन। वो चली गई कहीं, तो मुझे हमेशा लगता था कि जोया उनके रूम में वो नहाती थी। अच्छा। तो मैं एक बाल्टी ली, खींचता हुआ उनके बाथरूम से मैं बेडरूम तक ले गया और बिस्तर के साइड पे मैं ऐसे बैठा और मैंने मांग लिया और अपने आप पर पानी डालना शुरू। ये सही बात। फरहान आपके बारे में एक अफवाह है कि आपके राइट हैंड पे जो टैटू है वो आपने बनवाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। हाँ, मेरे राइट शोल्डर पे। अच्छा, ये क्या कहानी है सर? हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा जो टैटू है। नहीं यार, ये एक ऐसे वक्त पे था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे मेरे कंधे पे था। प्रियंका, आपके बारे में ऐसा सुनने में आया है कि जो चीज आप यूएस में सबसे ज्यादा मिस करती हैं वो है सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाना। इज इट ट्रू? मुझे गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं। मिलेंगे तुम्हारे शो पे? हमने ये बात इसलिए पूछी, हमारे पास पहली बार बजट हमने सैंक्शन कराया सोनी टीवी से कि गोलगप्पे प्रियंका को खिलाने हैं। तो गोलगप्पे एक तो हमेशा कभी लड़कियां अकेले नहीं खाने जाती। हाँ। मैं आपकी सहेली बनके खाता हूँ। चलो। तो फरहान भाई आप पानी पूरी वाला बन जाओ। तो पानी पूरी मंगवाओ और मैं प्रियंका की सहेली सोनिया। सोनिया, ये क्या बात, चलिए आइए। बस यहाँ खड़े कर दो भैया। ये हुई ना बात। भैया उनको बनाने दो, आज वो है पानी पूरी वाले भैया। आप अपना गमछा भी दे दो प्लीज। लाइए। हाँ। हम इस तरफ हैं? हम उस तरफ चलते हैं। आप इस तरफ। चलो दीदी। चलो सोनिया। भैया जरा पानी पूरी देना। तो एक मिनट एक मिनट, हर पानी पूरी वाला भैया नहीं होता। सैया बोल दे, एक प्लेट फ्री में खिला दोगे? और अगर आंख मारू तो दो मिलेंगे? मैं ना ऐसा बड़ी बार किया, ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती बुला देती हूँ, फिर भूल जाता है 50 का है कि 100। भैया थोड़ा तीखा देना। अरे नहीं सुनो, मिनरल वाटर में जरूर बनाना पानी पूरी। थोड़ा मैडम, मिनरल वाटर के साथ गोलियां ली जाती है, पानी पूरी नहीं बनाई जाती। किधर पन्नी है? लाइए। अच्छा तो ग्लव्स तो पहन ही लो। ग्लव्स? मुझे कहा जाके क्रिकेट में बैटिंग करनी है कि मैं ग्लव्स पहनूं? आप ये बताइए आपको क्या चाहिए, मीठा तीखा या मीडियम? ये इनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम दो, यूएस से आई है ये। एक्चुअली मेरे लिए ना है क्या? नहीं इतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा कट्टा भी बढ़ा दो। कट्टा? वाह, कुछ खबरी आ रही है। मैंने बड़े मजे लिए हैं, सास को झूठ बोल बोल रही, मैंने कट्टा करने का मन कर रहा है। 70 गोलगप्पे खा के फिर मैं बोल दूं डकार आया था। खट्टा चाहिए आपको? या एक मिनट जरा ग्लव तो उतारना, ग्लव के बिना बनाओ थोड़ा खट्टा, खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। नहीं नहीं निकालो निकालो ग्लव। चलिए मुझे नाखून डालना, मेरे को काली मिर्च वाला चाहिए। हाय हाय, अब मुझे समझ में आया कहाँ से स्वाद आता है। जी मैं तो ये कभी लाइक करती, ये चलेगा मेरे को। भैया सुनो जी, गोलगप्पे तो ठीक ठाक थे, लेकिन पेमेंट के लिए आपको कैश चाहिए या किस? मैडम इसमें पूछने की क्या बात है, किस? दे दो। मैं और दीदी ऐसे ही पेमेंट करते हैं, लाखों रुपए हमें भुगता चुकी पूरी मार्केट में। तुमको भी किस करना है? कैसा तेरा गंदी चुम्मी जैसा मुंह, चलो हटो यहां से लेके जाओ। एक बार फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। दादा जाना मत, शूटिंग के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है?
शूटिंग के बाद खाता हूँ मैं और स्वाद से। फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। तो फरहान जो है वो हम सबसे अभी विदा लेंगे बिकॉज उनको और भी बहुत जगह जाना है। सो फरहान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया आपसे बातें करके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आइए प्रियंका। तो अब ये फटाफट चेंज कर दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, थक गए तुम। सो दोस्तों अब वक्त है एक और खास मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का, जो आपको फिल्म द स्काई इज पिंक में प्रियंका और फरहान के साथ दिखाई देंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित सराफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अरे मैंने सुना ना वो डाकिये वाकिये आजकल बंद हो गए ना। ऑलमोस्ट। आपकी ड्रेस देख के मुझे वैसे ही याद आ गए डाकिये। तो ना किसी चिट्ठी में इसको स्टाइल समझ नहीं आती। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम मैन। थैंक यू सर। ये फिल्म में जो प्रियंका के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। हाँ तो उसमें इतने छोटे से लग रहे थे, अभी पूरा हैंडसम बन के आ गया था मेरा यार। मैंने आपके लिए एफर्ट डाले है शो के लिए। सुपर्ब। आपको पता रोहित अपनी पहली फिल्म में डियर जिंदगी में आलिया भट्ट के भाई बने थे, इसमें इस फिल्म में जायरा वसीम के भाई बने हैं। तो आप फिल्में करने आए थे कि रक्षाबंधन मनाने आए हैं इंडस्ट्री में? इतना हैंडसम लड़का, अब लोगों को मुझे देख के भाई वाली फीलिंग आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसे बड़े हैंडसम हो रोहित आप, पर बहुत प्यारे लग रहे हैं आप ट्रेलर में और फिल्म भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब बस आप भाई मत बनाना मुझे, उल्टा मेरे बन जाओ। नहीं नहीं आपका ही नहीं बनना ना। क्यों? अभी देखा मैंने आपका सोनिया वाला रूप। अच्छा सोनिया कैसे? सोनिया टीवी पे ही है वैसे, खरा सोना है। अच्छा जब आपको पहली बार पता चला कि आप प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ काम कर रहे हैं जी, तो कैसा लगा आपको ये सोच के कि अब कपिल शर्मा शो में जाऊंगा? मुझे, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मेरी मॉम आपके शो की बहुत बड़ी फैन है। मतलब you. मेरा पूरा परिवार, मेरा तो, पूरा परिवार भी। ओ हाँ जी बिल्कुल। तो जब भी मैंने उनको बताया, जैसे हमारे पास आया प्लान, तो मुझे पता लगा कि मैं आपके शो पे आने वाला हूँ, तो मतलब मुझे जितनी एक्साइटमेंट इस फिल्म की नहीं हुई थी उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। ओह स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और उसके बाद फंस गया मैं यार। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम वो पिक्चर नहीं करनी थी? नहीं, तुम कपिल के शो पे काम कर लो, अर्चना जी एक असिस्टेंट मिल जाएगा आपको। मतलब ऐसे तो मत करो। देखती हूँ मैं तुमको अभी, बाहर मुझसे मिलना है तुम्हें। इतने डांटो मत प्रियंका, इतना क्यूट बंदा देखो। यही करती है ये, फिल्म में भी यही किया इन्होंने। माँ बन के सिर्फ डांटा है मुझे। कोई नहीं डांटा मैंने, शॉर्ट्स के बीच में देखना चाहिए था। खुराफात कहाँ से आती है मैं बताती हूँ। इतना प्यारा है रोहित, नॉटी सा है लेकिन ये नॉटी सा है ना, चेहरा ग्लो देखो, छिला हुआ अंडा लग रहा है पूरा। That's so true. High in protein. No. उबला हुआ अंडा चिकना। मैं उधर आके बैठने वाला हूँ आपके पास। इधर और खतरनाक है काम। हाँ वो आपके सब जेब में सब टटोल लेंगी आपकी। आपको पता नहीं उनका। अरे रोहित ऐसे कभी जब शूटिंग वूटिंग चल रही थी तो निक से मुलाकात हुई कभी आपकी? जी उनसे दो बार मुलाकात हुई थी। अरे वाह यार, फिल्म में तो आप इनको कैरेक्टर में मम्मी मम्मी बुलाते होंगे। हाँ। जब निक सामने आए तो उनको जीजू बोला कि पापा? क्या बोले आपने? ना जीजू ना पापा। कपिल थोड़ा सा निक से ऑब्सेस्ड है। मैं अच्छा हमने देखा है, मुझसे ज्यादा। मैं तो खैर अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना। मैं आपको सीरियसली दिल से बात बताऊं, ये कोई शो का ये कोई प्लानिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतनी दुनिया बोलती है कि प्रियंका से रिक्वेस्ट करना कि जब कभी निक इंडिया आए तो आप दोनों साथ में आए, ऐसा लोग देखना चाहते हैं। पूछ लो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, तो उसकी एक रिहर्सल करते हैं। तुम उससे सवाल कैसे पूछोगे, उसको हिंदी नहीं आती। ओके एक काम करेंगे ना, आप दोनों आना, मैं आपसे बातें करूंगा, आप उनसे करना। हां सो ओके सपोज ये मान लो निक है। ठीक है मैं अनुवाद करती हूं, चलो। हाय निक, वेलकम टू आवर शो। हाय निक, वेलकम टू आवर शो। अरे ये अनुवाद करने कैसे होता है? थैंक यू सो मच कमिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग।
थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, बाय, सी यू. नहीं नहीं प्रियंका, लेकिन जब निकालेंगे मैं तैयार करके रखूंगा क्वेश्चन इंग्लिश में. आई कैन आस्क एनीथिंग. इज्जत रख लेना, नाक मत कटवाना मेरी. कट भी जाएगी तो बोल देना ऐसे ही है मेरे मायके वाले. ये है मेरा माइक. अब तो उसको समझ में भी आ गया. अब तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखी जाएंगे. अब सिखा लो उनको पंजाबी. मेरे से उम्मीद मत करना इंग्लिश की. उनको पंजाबी सिखा के लाओ आप, हम बातें करेंगे. बट वो करते हैं पंजाबी गानों पे डांस करते हैं. हाँ वो तो करता है. ये तो है ही ना, फिर असर तो हो ही जाता है पंजाबी कहीं भी जाए. Look at that! Look at that! Look at that! Priyanka Chopra Jonas in the house, guys! And Rohit, my brother, in the house. And Kapu Sharma, you in everybody's house. Yeah. देखो कपू शर्मा आते ही मैं तुम्हारा तारीफ का ब्रिज बांध दिया है, मतलब पुल बांध दिया है. तो अभी मैं जब इनसे बातचीत करेंगे तुम बीच में ऐसा टांगने अराएंगे. That's a deal, okay? प्रियंका जी नमस्ते. रोहित हाय ब्रो. मैं अच्छा यादव है, मैं लंदन से आए हैं. मैं आपको सच में बता रहे हैं, जैसे इंडिया में अपना स्वेलिंग का हलवा फेमस है. स्वेलिंग का नहीं, सूजी का हलवा. सूजी. ये आदमी को नहीं मालूम है स्वेलिंग होता है सूजी, उंगला सूजी. स्वेलिंग सेम होता है. खैर मैं आपको खाली बता रहे थे, इंडिया में जैसे सूजी का हलवा फेमस है, उधर लंदन में आपका फैशन का जलवा फेमस है. रोहित ये हाय ब्रो. हाय. एक मिनट कपू शर्मा. यस. तुम्हारा जैकी श्रॉफ के साथ ऐसा कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है क्या? क्यों? क्या पिछले हफ्ते टाइगर श्रॉफ आया, टाइम रोहित श्रॉफ आया है क्या? रोहित सराफ. तभी सराफत से बेटे है. मैम मैं आपके फिल्म के शो ट्रेलर देखे, मेरे हाके बाके बोचक के निकल गए. क्या ट्रेलर है, लाइक बॉन्डिंग एंड ऑल, मेरे को बहुत अच्छे लगे. कपूर शर्मा तुमको मालूम है वैसा तो स्काई ब्लू होते हैं, right. लेकिन इनका स्काई पिंक क्यों है? क्यों है? क्योंकि क्या हुए, ये प्रियंका जी का खुशबूर्ती को देख के स्काई ब्लश की है और ब्लश करके पिंक हो गए. प्रियंका जी आज मैं आपको अपना किडनी का एक बात बताना चाहती है. किडनी की नहीं, दिल की बात होती है. दिल का बात बताने का फायदा नहीं है, पहले तो शुदा शादी है. रोहित मैं तुमको अपना किडनी का बात बताते हैं. मैं क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं. हाँ. पानी पी के फिर बहुत सारा सुसु करते हैं, उससे क्या किडनी एकदम साफ रहती है. तो ये बात तो सभी को पता थी. पता है लेकिन बताता कोई नहीं है यार. उसे अगर आप इतना ज्ञानी आदमी है ब्रो. हाँ. तो मेरे को बताओ प्रियंका जी को पीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका निकनेम है. निक तो जोनस का नेम है ब्रो. मैम मेरा फोन बज रहा है, मैं एक मिनट ले रही. आई एम सॉरी. ओह माय गॉड, ये दे आपका वो जो जेट है उनका फोन आ रहे हैं. कौन सा जेट? इनके जो जेट है. कौन सा जेट यार? अरे नाम है उनका यार जो जेट, मतलब इनका नाम है जो जेट. एक मिनट में फोन लेते हैं. हाँ जो जेट जी बोलिए. अब प्रियंका जी खुश है, काफी कंफर्टेबल है आप, है ना? वो कंफर्टेबल है. निक जी को बोलिए चिंता नहीं करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता करेंगे ना निक जी, तो वो निक से पे निक हो जाएंगे. ये मैं ऐसा जोक मारते रहते हैं. चलो मैं अभी फोन काट रहे हैं. अच्छा हो गया तेरा? नहीं. मेरे को ऐसा जो अभी मैं जोक मारे ना, मेरे को एक दो और आते मैं सुनाई गए. मेरे को बताइए कि निक जी का सबसे फेवरेट इंग्लिश फिल्म कौन से है? कौन से है? टाइटैनिक. एक और सुनाएंगे. निक जी भी गाना गाते हैं. तो इंडिया का निक जी का सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? कौन है? अलका याग निक. कपू शर्मा तुमसे एक पूछते हैं, निक जी को पहनने में क्या पसंद है? निकर. ये क्या बात हुआ यार? एनिक. नो रॉन्ग है, उनको कपड़े पसंद है यार. तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर किधर है? व्हाट अ गाय. मैम आपका फिल्म आई थी रजू मस्ताना है, उसमें आपके एक डायलॉग थे कि तुम हमसे हमारा जिंदगी मांगो, ऐसे कुछ.
मतलब मैं बहुत प्रभावित है वो डायलॉग से. आप इफ यू डोंट माइंड एक बार सुना देंगे वो वाला प्लीज प्लीज. आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया. क्या डायलॉग है और क्या बोला है. ऐसा एक डायलॉग मैं अर्चना जी को बोलना चाहेंगे. क्या अर्चना जी, आप हमारा कुर्सी मांगते हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने हमसे हमारा ओ गुरु ही छीन लिया. अच्छा तू कैसी बातें कर रहा है, क्या सोचेगी प्रियंका? वो क्यों सोचेगी ब्रो, वो प्रियंका चोपड़ा है, पूरा दुनिया उनके बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में क्यों सोचेगी. वैसे प्रियंका जी मैं आपको बताएंगे, आप एले में रहती है ना, मैं भी थोड़ा टाइम एले में रहे थे, उधर वो एक्टर है टॉम क्रूज करके, मैं उनका काम देखते थे. कौन सा काम देखते थे? मैं ऐसा थिएटर में जाके उनका पिक्चर देखते थे और बोलते थे क्या काम किए. वाह, तो खुद भी कोई काम कर, दूसरों का काम देखता रहता है. कपूर शर्मा ये तुम ऐसा मेरे ऊपर जो ज्ञान पेलते रहते हैं ना, ये पंजाब नेपोटिज्म से तुम्हारा दोस्त लोग को लेके आए ना तुम, उनके ऊपर ये ज्ञान क्यों नहीं पेलते दोस्त. बहुत हो गया कपूर शर्मा, आज मैं तुम्हारा वो खोल देंगे, वो डॉगी किधर सुसु करते हैं? बाथरूम में. किधर? बाथरूम में. कौन सा डॉगी बाथरूम में सुसु करते हैं ब्रो? ये तुम्हारे पास कोई गलत डॉगी है ब्रो, या तो तुम अपने डॉगी को बदलो या डॉगी को बोलो कि मालिक बदले. कुछ तो गलत चल रहे है इधर. वो होते क्या पोल पोल, आज मैं तुम्हारा पोल खोल देंगे. मैं आपको बता रही है, ये आदमी जो है ना, ये अपना सब पंजाब से सब दोस्त लोग को लेके आया इधर, जिनको ये बैंड बोलते हैं. ये कोई बैंड नहीं है, यू नो अबाउट म्यूजिक. ये जो गिटार पे बैठे हैं, ये दिनेश, ये अपना गांव में ऐसा पूरा दिन पेट खुजाते घूमते रहते थे. कपू शर्मा इसको इधर लेके आ गए और ऐसा हाथ और पेट के बीच में गिटार डाल दिए और फिर अभी कुछ टाइम पहले इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले शादी में म्यूजिक बजाने के. ये लोग उधर बैठ गए कुछ बजाने रहे हैं. वो दूल्हे का फादर आके बोले म्यूजिक बजाओ, ये बोलते दूल्हे को पहले बोलो कोई पंच मारे जोक मारे तो बजाएंगे ना. ये बैंड है, मैं आपको सच बोल रहे हैं, फटा नोट और पंजाबी दोस्त कपू शर्मा से बेहतर कोई नहीं चला सकते. प्रियंका जी, मेरे को अभी जाने के रहेंगे. क्या है कि स्काई जो बाहर ब्लू होते थे अभी थोड़ा ब्लैक होने लग गए हैं. अभी मैं जाके ऐसा थोड़ा टाइम पास करेंगे बाहर, तो फिर मेरा भी स्काई पिंक होएगे थोड़े टाइम में. आप समझ रहे हैं ना? एक बार जोरदार तालियां प्रियंका रोहित के लिए. आइए प्रियंका. सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का. अर्चना जी कम व्यू प्लीज. थैंक यू. एक बार प्रियंका चोपड़ा और रोहित के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इसीलिए मैं दिल से बोल रहा हूं, अब जब भी शो पे आती है ना चार चांद लग जाते हैं. थैंक यू सो मच एंड यू आर प्राइड ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच पीसी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू रोहित. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द स्काइज पिंक. थैंक यू प्रियंका. पर आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो. गुड नाइट शबा खैर. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.